हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मैं दिव्या अग्रवाल आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। अगर आप एस्पिरेंट हो गेट एक्सेल के, दैट इज लाइफ साइंसेज के, तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं लेने वाली हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको आपकी और हमारी वीडियोज की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम जो चीट कोड नंबर 3 है इसमें देखने वाले हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है और इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से कंपाउंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। तो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड को डिटेक्ट करने के लिए होता है। अगर कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में डिजोल्व हो जाएगा। जो डिजोल्व हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है, इसमें से कैसे HCl CO2 निकल पाएगा वो डिपेंड करेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इसका छोटा सा मैं आपको छोटी सी ट्रिक एक बता रही हूं। अगर आपको कहीं पे भी COOH दिख जाए, या अगर आपको कहीं पे भी सल्फोनेट SO3H ये चीज अगर आपको दिख जाती है, तो ये बात आप बिल्कुल लेके चलना कि इनमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ही होगी। ये तो बिल्कुल छोटा सा फंडा है, ओके। अब इसके अलावा और कहां कहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सकते हैं, उस चीज के लिए हम थोड़े से एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं, ओके। सो जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। दिस इज बेसिकली यहाँ पे मैंने OH लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने CH2 लिखा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये मॉलिक्यूल में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर इज नो, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दिस इज अ फिनॉल, ओके। और दूसरी बात है, फिनॉल में भी इस पोजिशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, प्लस I करता है या फिर प्लस H करता है, मतलब या तो इंडक्टिव इफेक्ट करता है या हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से इस प्रोटोन की रिमूव होने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जो एसिडिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इसकी एसिडिटी कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये वाला जो एसिड है फिनॉल, जो कि बहुत ही माइन्यूट एसिड होता है, उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओके। अब क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करने वाला है, तो हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए ये कह देंगे कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इसमें एसिडिटी ज्यादा हो सकती है अगर कभी भी ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजिशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे कि नाइट्रो, जैसे कि CN, जैसे कि CHO एक्सेट्रा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लग जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ सकती है और तब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकता है। बाकी एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं। पहले मैं कर देती हूँ इसको इरेज। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ओके। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज वॉट वी कॉल दिस थिंग, ओके। ये आपका, इसको हम बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड, ओके। दिस इज अ स्क्वेरिक एसिड। अगर आप इसको देखो और इसमें से सोचो कि क्या ये एसिडिटी इसमें, क्या अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डालूंगी इस पर्टिकुलर स्क्वेरिक एसिड में, तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर इज येस, वो करेगा। क्यों? बिकॉज ये जो स्क्वेरिक एसिड होता है ये एरोमेटिक इन नेचर है। अगर मैं इसको, इसका दूसरा फॉर्म बनाना चाहूं तो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। ओपे निगेटिव चार्ज, ओपे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फोर मेंबर रिंग है इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज आपकी एरोमेटिक हो जाती है। और अगर प्रोटोन निकलने के बाद में एरोमेटिसिटी आ रही है तो बट ऑब्वियस ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये भी CO2 निकालेगा विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूं, सो आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं। मैंने इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे COOH है और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है आयोडीन, ओके। अब आप अगर देखोगे तो आयोडीन गाइस बहुत ही बड़ा बल्की ग्रुप होता है, दैट इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजिशन, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है। और COOH तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि अगर COOH है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो करेगा, बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। तो ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी ग्रुप आ जाने की वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा कुछ बढ़ जाती है। मतलब रियालिटी में होता क्या है कि जैसे मैंने इस तरह से कुछ बनाया और यहाँ पे मैंने COOH लगाया हुआ है और यहाँ पे आयोडीन लगाया हुआ है, तो इस आयोडीन का बड़ा साइज, बल्कि साइज होने की वजह से ये जो आपका COOH होगा ये क्या हो जाता है ना, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो अगर वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो यहां से प्रोटॉन रिमूव होने के बाद में, मतलब अगर वो प्रोटॉन वहां से रिमूव हो गया तो प्रोटॉन रिमूव होने के बाद में कॉन्जुगेशन का बहुत अच्छा वाला सहारा मिलता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस करेगा किसके साथ, कार्बोनिल के साथ में ही, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन अगर ये चला जाता है तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वेयर एज अगर बेंजीन, अगर ये इन प्लेन रहता तो बेंजीन रिंग की जो लोन पेयर्स है वो इसको रेजोनेट करते,
ठीक है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस मतलब अपोजिट काम एक साथ हो रहा होता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसलिए ऑर्थो इफेक्ट, अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी बल्की ग्रुप लग जाता है, नो मैटर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो उससे एसिडिटी हमेशा इंक्रीज करती है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये चीज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो 100% प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरह से कुछ लिखती हूँ, दैट इज बेंजाइल फिनॉल। ओके, यहाँ पे मैंने ये चीज बनाई है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो पार्ट है ये तो आपका एल्कोहल हो गया। ओके, दिस इज एल्कोहल। वाई इज इट एल्कोहल? बिकॉज दिस इज नॉट कनेक्टेड टू फिनाइल रिंग डायरेक्टली। ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड ओके, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं PHCH2, ओके, ये तो अपने आप में ही आपका क्या है, ये तो अपने आप में ही आपका बेंजाइल ग्रुप है, और इस वजह से इस पे अगर OH लगा होगा तो दिस इज एन एल्कोहल, दिस इज नॉट फिनॉल। ओके, तो क्योंकि ये एल्कोहल है तो एल्कोहल तो फिनाइल फिनॉल से भी बहुत ही बुरे एसिड होते हैं, तो क्योंकि एल्कोहल फिनॉल से भी बुरे एसिड होते हैं, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये चीज क्या है, ज्यादा एसिडिक नहीं है, जिस वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में वो टेस्ट नहीं देने वाली है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेट्स राइट सम मोर एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा इस तरह से, और यहाँ पे बनाया OH और यहाँ पे बनाया NO2। अब आप मुझे बताओ क्या ये मोर एसिडिक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में? तो नहीं होगा। रीजन क्या है इसका? कि जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे या पैरा पे लगते हैं तो ही फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती है, और तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे तो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है ना, मेटा पोजीशन पे लगा है तो इसकी एसिडिटी ज्यादा नहीं होगी, जिस वजह से ये आपका कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह से कुछ बनाया, ओके, नेफ्थलिनिक एसिड आप इसको कह सकते हो, नेफ्थलीन है जिसमें एक OH सब्स्टिट्यूटेड है और साथ में COOH भी है। तो मैंने कहा आपको एक ही बात है कि अगर COH दिख गया तो 100% वो CO2 प्रोड्यूस करने ही वाला है। इसके अलावा हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि HC CCC एंड यहाँ पे COOH। अगर मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ तो नो मैटर वॉट, आपने COH को देख लिया, CO2 प्रोड्यूस करेगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा मैं एक और इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर मैं और एग्जांपल्स भी लिखती हूँ साथ में, ठीक है? सो बस आप ध्यान से सुनते रहो, एकदम कट शॉर्ट में कंसाइज मैनर में हम चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH है और यहाँ पे NH2 है। अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज बेसिकली यहाँ पर क्या, एसाइल हाइड्रोजीन आप कह सकते हैं, दिस इज एसाइल ग्रुप एंड इट इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन बेसिकली क्या होती है, NH2 NH2, दिस इज हाइड्रोजीन। अब अगर एक हाइड्रोजन को मैं CH3CO से रिप्लेस कर दूंगी तो बन जाएगा एसाइल हाइड्रोजीन। अब एसाइल हाइड्रोजीन में दो तरह के प्रोटोन है, एक तो ये वाला प्रोटोन है और एक ये वाला प्रोटोन है, तो विच वन विल बी मोर एसिडिक, दिस वन विल बी मोर एसिडिक। तो अगर ये निकल जाएगा तो निकलने के बाद में आपको NP निगेटिव चार्ज इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है? तो ठीक है यार, ये चीज तो ठीक है, ओके, बट है ये एमाइड, और एमाइड एसिडिटी नहीं होती है इनकी, कुछ खास अच्छी एसिडिटी नहीं होती है, मतलब इतनी अच्छी एसिडिटी नहीं होती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 निकालें। तो ठीक है, एसिडिटी शो कर रहा है बट CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इसके साथ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखना जरूर चाहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से कुछ बना दूं, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया नाइट्रोग्रुप, ठीक है? तो पहली बात तो आप देखो, अगर मैं इस OH की बात करूंगी तो मैंने कहा था नाइट्रो या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पे लगा है तो उसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं इनकी वजह से एसिडिटी में और इंक्रीमेंट आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये जो हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही ये निगेटिव चार्ज नीचे जाएगा तो जो पार्किंग ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे हो रही है। इधर ना करके इधर करेंगे तो भी, तो दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने की वजह से, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है ना नाइट्रोजन, वो भी ऑर्थो पोजीशन पे, तो बढ़िया बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे भी CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके फाइन, चलो, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट। एंड नाउ अगेन इफ आई राइट एक छोटा सा एग्जाम्पल लाइक दिस, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको COH दिखने में आ जाए तो 100% वो CO2 प्रोड्यूस करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। अगर इसके साथ में मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखना चाहूँ तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ परेशान नहीं होना है। आपको बस एक चीज नोट करनी है कि चाहे ग्रुप कोई भी हो, कोई भी चीज लगी हुई हो, अगर COOH दिख जाए आपको कहीं पे या SO3H लिख जाए तो आंखें बंद करके 100% वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। और उसके साथ में अगर OH वाला ग्रुप लगा हुआ है कहीं पे फिनॉल है तो फिनॉल में आपको बस ये देखना है कि ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। और अगर कहीं पे भी एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी जैसे कि मैंने अभी स्क्वायर
स्क्वेरिक एसिड का केस आपको दिया था, है ना, स्क्वेरिक एसिड का केस दिया था। तो स्क्वेरिक एसिड में अगर प्रोटॉन निकलने के बाद में एरोमेटिसिटी आ जाए तो भी वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 देगा। तो हमारे पास चार फंडे निकल गया है, पहली की COH को देखा, सीधा बता दिया CO2 निकलेगा, SO3H को देखा CO2 निकलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, OH को देखा, अगर फिनॉल को, नॉट अल्कोहल का, नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, मैं बात कर रही हूँ फिनॉल की, तो फिनॉल की अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो 100% वो एसिडिटी शो करेगा एंड CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। अगर कभी भी प्रोटॉन निकलने के बाद में एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो भी एसिडिटी शो करेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हुई। ये था हमारा चीट नंबर, चीट कोड नंबर 3। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर।